नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विद मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर चलेंगे लखनऊ और डेस्टिनेशन है भूल भुलैया। लखनऊ का जो भूल भुलैया है ये बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स में स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए लखनऊ का एयरपोर्ट है और ट्रेन से अगर आना चाहें तो रेलवे स्टेशन भी अवेलेबल है लखनऊ में। इस भूल भुलैया में लगभग 1000 छोटे बड़े रास्ते हैं और इसका निर्माण शुरू करवाया गया था 1784 में असफुद्दौला के द्वारा और इसके बनाने का इंटेंशन ये था कि उस समय बहुत सूखा आ गया था तो नवाब लोगों को रोज़गार देना चाहते थे और इसी रोज़गार के लिए उन्होंने यहाँ पर ये भूल भुलैया और पूरे के पूरे इमामबाड़ा का पर्टिकुलर निर्माण करवाया था। तो ये आज के मनरेगा कार्यक्रम जैसा भी इसको समझा जा सकता है। तो ये इस तरह की कुछ और बिल्डिंग्स हैं दुनिया में जहाँ पर लोगों को केवल तकलीफ़ से बचाने के लिए भूल भुलैया जैसी चीज़ का निर्माण किया गया था। इसके आर्किटेक्ट पर्शिया से आए थे और ये एक शिया मुसलमानों के लिए था जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। मुहर्रम के समय लोगों को मिलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये जो इमामबाड़ा है इसके कॉम्प्लेक्स में स्थित ये जो भूल भुलैया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आइए चलिए देखते हैं इस भूल भुलैया के अंदर, जाते हैं इस भूल भुलैया के अंदर। गाइड्स वैसे अवेलेबल है, आइए एक नज़र मानते हैं इस भूल भुलैया के रास्तों पर। देखिए मात्र 2 मिनट के लिए, तो पहले आप साइलेंस रहेंगे जैसे अभी आप खड़े थे। अब हम आगे से राइट दूरी पे जाएंगे और वहां से ये साउंड करेंगे, फिर चुटकी बजाएंगे, फिर हम कैसे बोलेंगे जब आपको बोलेंगे आइए चले आइए तब आप लोग आएंगे, और जब आइएगा तब भी आप लोग साइलेंस आइएगा कि देखिए कितनी दूरी से हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, उससे पहले नहीं साइलेंस आइएगा। आवाजें हमें दीवार में कान लगानी है, कुछ नहीं लगाना है। अच्छा। ये खाली एक कहावत है कि धीरे से बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। कान जो होते हैं वो इंसानों ही पे अच्छे लगते हैं, दीवारों के नहीं अच्छे लगते। अगर होते दीवारों से आवाज पास होती है तो ऐसी आवाज आएगी। बिल्कुल साइलेंट
हम बोले कने गेलो ना ना ओकरा हम कहो हम बोले सकतो आवा इस फूल भरिए का जो सेंट्रल हॉल है ये बहुत बड़ा है। इसके अंदर लगभग 170 फीट इंटू 55 फीट है और इसको बिना किसी कॉलम के बनाया गया है और इस बिना कॉलम के इस भारी भरकम डोम को बनाने के लिए इसके अंदर जो डिज़ाइनिंग की गई थी, जो स्टोन्स यूज़ किए गए हैं वो हॉलो स्टोन जैसी चीज़ें यूज़ की गई है ताकि, और हल्के पत्थर लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर वो डोम इस्टेब्लिश रह सके। अंदर बहुत सारे रास्ते हैं और बच्चों को ले जाते समय ये ऐसे कहावत होती थी कि हाँ जो भी जाएंगे बिल्कुल गुम हो जाएंगे क्योंकि इतने सारे रास्ते हैं और बिल्कुल एक जैसे रास्ते हैं। इसको पहचाना जाना और इसको आइडेंटिफाई किया जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो बच्चों को एक बड़ों के साथ ही पहले सबसे पहले ले जाए तो अच्छा है। यहाँ अंदर गाइड्स अवेलेबल हैं जो इसको अलग अलग जगह पर आपको ले जा सकते हैं। वैसे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस भूलभुलैया से बाहर आना। जो इसकी टाइमिंग्स हैं ये 9 बजे के बाद ही खुलता है तो 9 बजे के बाद यहाँ पर जाइए, गाइड लेकर के जाइए, फोटोग्राफी इसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा है अंदर, आप देख सकते हैं इस अंधेरे में बहुत कुछ इसके अंदर दिखता नहीं है। और एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।